वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आजाद रहे तू, तू जहाँ रहे जहाँ में याद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आजाद रहे तू, तू जहाँ रहे जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। एक मिनट ऐसे ज़ूम करो, ज़ूम करो, और ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन। कि 7 ही दिन पहले हमने जम्मू कश्मीर में अपने 4 जवान खोए, मेजर कौस्तुभ रानी, हमीर सिंह, उनके 3 साथी थे, हमीर सिंह, विक्रमजीत सिंह, उनका बेटा है प्यारा सा, उसके आगे का जीवन बहुत यशस्वी हो, ये प्रार्थना करते हुए मैं स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं आपको देती हूँ। अभी दिल मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं जाऊँ और एक जोर से चाटा लगा के आऊँ, जो संस्कार है या सभ्यता है ये करने नहीं देती है, मगर हाँ ज़रूर हम शब्दों से चाटा को ज़रूर मार सकते हैं। शालिनी देखो, ये इनकी उम्र क्या थी, ये चारों लोगों की, इट वॉज बिटवीन 25 to 29। इस उम्र में तो हम बहुत सारे, यानी मैं बहुत देखती भी हूँ, जो जिन्हें अभी पता भी नहीं, जो अभी भी हाथ करके माँ को तालियां मारते रहते हैं, इस उम्र में इन्होंने पूरी ज़िंदगी जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जी ली इन्होंने, हम कभी भी अभी याद करेंगे तो इनको शहीदों में याद करेंगे। और यहाँ पे वो जो गाना तो सभी को याद आता होगा कि ये मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। मैं यहाँ ज़रा नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी तहे दिल से याद कीजिए, तहे बिल्कुल आत्मा से याद कीजिए इनको और इनके परिवारों को। जब जब भी हम आज़ादी को महसूस करेंगे, जब जब हम स्वतंत्रता का आनंद लेंगे, तब तब इनको हम याद करेंगे, सिर्फ स्वतंत्रता दिन पे नहीं, प्लीज़। तो जो जो सैनिक है वो बॉर्डर पे है, लेकिन जब कृति जी अपने घर में रहते, बॉर्डर तक नहीं लेकिन अपने आस पड़ोस में जब कोई परेशानियां देखती है तो आप उनकी हेल्प करने से कभी पीछे नहीं रखती हैं, लेकिन कभी आपके मन में यह ख्याल आता है कि काश मुझे भी उधर जाना चाहिए, कभी आपने बचपन में या कभी आपने दिल में ऐसा होता है काश मैं उस काबिल होती तो मैं भी उस बॉर्डर पर जाकर मैं भी कुछ ऐसा कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं क्यों, मगर मुझे पुलिस या पायलट पुलिस इसमें जाने की बहुत इच्छा थी, मेरी हाइट भी बहुत थी, अच्छा है यानी 5'7" हाइट, तो बहुत बार ऐसे, मगर उस वक्त मेरे पिताजी तो यानी उनको लगता था पता नहीं वाकई है कि नहीं, कि मेरी बेटी बहुत होशियार है तो इसने मेडिसिन सीखना चाहिए या इसने मोर इंटेलेक्चुअल करना चाहिए, और हमने हमेशा जो भी अपने पेरेंट्स थे उनकी इच्छा का आदर किया, उनकी इच्छा का मान रखा और जो चाहते थे वो किया, उसके लिए नो रिग्रेट्स प्लीज़। तो इंडिपेंडेंस डे जब आता है तो स्कूल में डांस को लेके, परफॉर्मेंस को लेके लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, और साथ ही चॉकलेट्स और लड्डू खाने, आप भी लड्डू खाने या परफॉर्मेंस के लिए स्कूल गई हो? जी बिल्कुल, थोड़ा सा आवाज़ अच्छा था तो हमेशा जो गाना गाने का स्क्वाड रहता था उसमें मैं हमेशा देती थी, और हम बहुत बहुत अच्छे अच्छे बोले नहीं आए रियली, पता नहीं आजकल क्या हुआ है कि आजकल इतने देशभक्ति पर गाने हम नहीं सुनते हैं। स्कूलों में हमारी जो टीचर थी तो वो तो बाकायदा कोई कविता लेके उसको सुर पे ढाल के हमें वो सिखाती थी वो कविता, और फिर हम उसको 26 जनवरी या 15 अगस्त ये इस पे हम ज़रूर उसको परफॉर्म करते थे, और संगीत का जो हमारा क्लास रहता था तो उसमें हम इसकी प्रैक्टिस करके इसको हम ज़रूर परफॉर्म करते थे, उसका बड़ा ही मज़ा आता था। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, और ऐसे मतलब कृति जी कोई गाना ना देशभक्ति गाया तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा इंटरव्यूज ख़त्म ही नहीं होता है, तो कोई ऐसा गाना जो कृति जी आज गाना चाहेंगी? अभी रिसेंटली बहुत
दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद एक बहुत अच्छा गाना इंडस्ट्री में आया है देश प्रेम के ऊपर। गुलजार साहब ने लिखा है, क्या लिखा है गाना, उनके एक एक शब्द और एक एक वाक्य बहुत सुंदर होते हैं। फिर शंकर एहसान रॉय ने उन्हें बहुत अच्छा संगीत दिया है, और सुनीति चौहान और आलिया भट्ट, इन दोनों ने तो उसके चार चांद लगा दिए हैं। बहुत सुंदर गाना है, उसकी दो लाइनें मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। हे वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आज़ाद रहे तू, तू जहाँ रहे जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन,